और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है सुल्तानपुर से, मेनका गांधी की चुनाव में हार हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सुल्तानपुर से मेनका गांधी हार गई है। एक और बड़ा चेहरा जिनको शिकस्त का सामना करना पड़ा है, 2019 के चुनाव में वो सुल्तानपुर सीट से चुनावी मैदान में उतरी, तकरीबन 14,500 वोटों से वो जीती थी, लेकिन इस बार वो चुनाव हार गई हैं। बहुत बड़ा उलटफेर सुल्तानपुर में हो गया है, मेनका गांधी की हार हुई है। और बिल्कुल, और एक बार देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं अमित, कि आखिर पूरे भारत में और पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त का जो रुझान है और इस वक्त के जो नतीजे अभी तक क्लियर हो गए हैं वो तस्वीर क्या है। हमारे सामने यहाँ पर एक मैजिकल वॉल है। अमित, चाहूंगी आपसे कि आप जरा बताएं कि इस मैजिकल वॉल पर क्या तस्वीर उभर कर अभी तक सामने आ रही है। अभी तक की जो पिक्चर है वो तो पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर 40 सीट पर जो स्थिति है वो यूपीए के पक्ष में है, और 39 सीट पर स्थिति जो एनडीए, यूपीए को ही आप इंडिया ब्लॉक समझिए आप, ये स्थिति, और तकरीबन 25 सीटों का नुकसान यहाँ पर एनडीए को हो रहा है। लेकिन हम रीजन वाइज समझा देते हैं कि किस रीजन में क्या स्थिति रही है। सबसे पहले हम अवध की बात कर लेते हैं। अवध में क्या रहा है, सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं कि अवध की स्थिति क्या थी। अवध में दरअसल इस बार कांटे का मुकाबला देखने को मिला। यहां पर जिस तरीके से लगातार इंडिया ब्लॉक की तरफ से प्रचार प्रसार किया गया, अलग अलग मुद्दों पर घेरने की कोशिश की गई, उसका असर यह हुआ कि यहां पर टाइट फाइट देखने को मिली, और बहुत सारी सीटों पर फिलहाल यह रहा कि मार्जिन बहुत कम रहा। अगर वहां पर अभी फाइट भी चल रही है तो मार्जिन बहुत कम है, हार जीत भी हुई है तो मार्जिन वहां पर बहुत कम रहा है। और इसमें एक बड़ी खबर है, एक बार फिर से बता दें, मेनका गांधी सुल्तानपुर से हार गई है। मेनका गांधी की हार हुई है सुल्तानपुर में, और मेनका गांधी जो चुनाव प्रचार के दौरान ये कह रही थी कि सुल्तानपुर की जनता उन्हें माँ कहती है। माँ इसलिए कहती है क्योंकि वो अपने वोटर्स के साथ, अपने क्षेत्र के लोगों के साथ इसी तरह से कनेक्ट है कि वहाँ के आम लोग भी आकर उनसे मिलते हैं, अपना सुख दुख उनके सामने रखते हैं। बीएसपी को बड़ा झटका 2019 की जीती हुई सीटें भी बीएसपी हार गई। हालांकि बीएसपी ने जितने सांसद जीते थे 2019 में बीएसपी के, वो छिटक कर इधर उधर पहले ही हो गए थे, और बीएसपी इस बार अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर गई। बीएसपी को बहुत मनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की ओर से हुई, अखिलेश यादव से हुई, लेकिन वो मानी नहीं। उन्होंने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे और शून्य पर। तो कुल मिलाकर बीएसपी का खाता भी नहीं खुल रहा है। जो स्थिति 2014 में थी वही स्थिति एक बार फिर से देखने को मिल रही है। बीएसपी शून्य पर सिमट रही है।